गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के इस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अगर है तो उसका हम किस प्रकार से असेसमेंट तैयार करते हैं, घायल व्यक्तियों का जाँच हम किस प्रकार से करते हैं, इसके लिए एक अप्रोच होता है जिसको हम हेड टू टो अप्रोच कहते हैं, अर्थात सिर से लेकर पाँव तक चेक करना, पता करना, जाँच करना। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स के इस इंपॉर्टेंट कड़ी में हम लोग इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की जांच कैसे हम करते हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या दुर्घटनाग्रस्त घायलों की दो प्रकार की जाँच की जाती है। अगर कोई आदमी को चोट लग गया किसी इमरजेंसी केसेस में तो इस विक्टिम की हम किस प्रकार से जाँच करेंगे, दो प्रकार की जाँच की जाती है। पहली जाँच क्या है? पहली जाँच जानलेवा खतरे की समस्याओं को तुरंत पहचानने के लिए की जाती है। पहली जांच क्या होती है कि जानलेवा खतरा हमको ये देखना है कि इस पेशेंट के लिए कौन सी जानलेवा खतरा है। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, पहली जांच जानलेवा खतरे की समस्या को तुरंत पहचानने के लिए की जाती है। इसमें होश होने का स्तर है ना, अर्थात आदमी होश में है कि बेहोश में है ना, तो उसके स्तर का जाँच करेंगे हम। सांस का होना व सांस का प्रकार, सांस अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करना है। इसके बाद सांस का कौन सा कैसा प्रकार है ना। फिर नब्ज का होना, अर्थात नब्ज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नब्ज का प्रकार, पुतलियों का प्रकार, पुतलियां छोटी बड़ी कैसी हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खून का बहना शामिल है। इसके अंतर्गत अर्थात पहली जांच के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जानलेवा खतरे की समस्या तो नहीं है। इसमें पेशेंट को होश है कि नहीं, होश के स्तर को हम पता करते हैं। सांस देख लेते हैं कि सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सांस का कौन सा प्रकार है। नब्ज अर्थात नाड़ियों को टटोलते हैं हम, पल्सेस को देखते हैं और पल्स के प्रकार को देखते हैं। साथ ही साथ पेशेंट के पुतलियों को देखते हैं कि पुतलियाँ छोटी बड़ी तो नहीं हो गई, या तो पुतलियाँ स्टिग्नेंट तो नहीं हो गए, रुक तो नहीं गई हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून तो नहीं निकल गया है, क्योंकि ये सब जितना मैंने बताया ये सब गंभीर समस्या है, इससे पेशेंट की जान जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये जाँच करेंगे कि उसकी गंभीर समस्या तो नहीं है। दूसरा क्या करेंगे, एक बार जब जांच करके पता चल जाए कि कोई भी जानलेवा खतरे की समस्या नहीं पाई गई है, तब जान बचाने वालों को घायलों की जांच उनकी चोट के लिए करनी चाहिए। अगर एक बार जांच करने से ये पता चल जाएगा कि जो विक्टिम है, जो एक पेशेंट है, वो खतरे से बाहर है, अर्थात उसको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तब हम उसकी चोट की गंभीरता को चेक करते हैं कि उसकी चोट कैसी है, गंभीर है कि हल्की है ना, इसका जाँच। तो दो प्रकार की जाँच हम इसे करते हैं। सबसे पहले उसकी समस्या, गंभीर समस्या को देखते हैं, फिर इसके बाद हम ये देखते हैं चोट का कैसा प्रकार है ना। कहीं ऐसा ना हो कि किसी चोट की जांच छूट जाए, इसलिए चोट की जांच करने के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए है ना। हमको एकदम बिल्कुल सेंसियर ढंग से चोट को चेक कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम अफरा तफरी में ठीक से चोट का जांच ना कर पाएँ और कहीं ना कहीं उसको अंदरूनी चोट बहुत तेज़ी से लगी हो, मतलब इंटरनल जो ट्रॉमा है बहुत तेज़ी से हो, जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती है। तो हमको एक असेसमेंट तैयार करना पड़ता है, एक अप्रोच तैयार करना पड़ता है। और वो उपयोगी प्रणाली क्या है, एक उपयोगी प्रणाली है जिसका नाम है सिर से पाँव तक, अर्थात हेड टू टू अप्रोच, जिसको हम हेड टू टू अप्रोच या हेड टू टू असेसमेंट कहते हैं, सिर से लेकर पांव तक का जांच करना। तो आइए हम बात करते हैं सिर से लेकर पांव तक का क्या जांच है, इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं। देखिए, सिर से पांव तक की जांच की प्रणाली, सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करेंगे, उसके हेड से जाँच करना शुरू करते हैं और उसके पाँव तक जाँच करते हुए चले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हेड में हम किस प्रकार से जाँच करते हैं, किस प्रकार का अवलोकन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं खोपड़ी, सिर की खाल, अर्थात सबसे पहले हम हेड में क्या करेंगे, उसके बाल को हटाएंगे और देखेंगे कि उसके स्किन में चोट तो नहीं है, खाल में चोट तो नहीं है, क्योंकि वो बाल से ढका होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर का खाल देखना पड़ेगा और देखेंगे उसमें क्या अवलोकन करेंगे हम, खून का बहना, गुम्मड़ पड़ जाना या गड्ढे पड़ जाना। अगर खून बह रहा है तो हम समझेंगे कि उसके हेड में इंजरी है, अब गंभीर इंजरी है कि हल्की है। तो खून के बहने से हमको ये एक आइडिया हो जाता है कि उसके हेड में चोट है। अगला क्या है, गुम्बट पड़ जाना, अगर उसमें गुम्बट पड़ गया है, कहने का मतलब फूल आया है, जहाँ चोट लगा है वहाँ फूल आया है, तो ये हम जाँच करेंगे। अगर गड्ढे पड़ गए तो इसका मतलब है डीप चोट लग गया है, अगर वहाँ छेद हो गया, गड्ढे पड़ गया है, तो इसका हम जाँच करेंगे। तो इसमें संभावित कारक क्या हो सकते हैं, अगर इस प्रकार का गुम्बट दिखाई देगा या खून बह रहा है हेड से या फिर उसमें गड्ढे हो गए, तो क्या संभावित कारक हो सकते हैं। पहला है छिली हुई चोट, अगर मान लीजिए चोट आ रहा है, गुम्बट बना हुआ, तो हम एक तो अनुमान ये करेंगे कि हो सकता है कि कहीं रोड पर छिल गया हो, एक तो ये। दूसरा हीमाटोमा, अर्थात खून जमने से जो गुम्बट पड़ जाता है, खून जमने की वजह से जो पपड़ी बन जाता है, मान लीजिए कहीं चोट लगा है और बार बार हेमरेज हो रहा है और फिर वहाँ क्लॉटिंग हो गया, तो वहाँ पपड़ी बन जाती है, जिसको हम गुम्बट कहते हैं, ये हम देख लेते हैं। और खोपड़ी का फ्रैक्चर, हड्डी का टूटना, अगर मान लीजिए वहाँ गड्ढा हो गया, तो हमको एक अनुमान ये भी हो जाता है कि मे भी हो सकता है कि उसका हेड का जो इस बोन्स है वो सब क्या हो, टूट सकते हैं, टूट गए होंगे। तो पहला जाँच तो हम ये करते हैं।
दूसरा अगर हम कान का जांच करते हैं तो कान में देखिए, क्योंकि हेड के बाद क्या आता है, कान आता है। तो कान में हम क्या देखेंगे, खून बहना, कान से कोई तरल पदार्थ बहना। अगर कान से खून आ रहा है या कोई तरल पदार्थ, पानी जैसा चीज़ कोई बह रहा है, तो हमको अनुमान हो जाता है कि कान का पर्दा फट गया है, है ना। तो कान का पर्दा फट जाना, खोपड़ी का फ्रैक्चर होना। तो अगर मान लीजिए कान से खून आ रहा है या कान से कोई तरल पदार्थ आ रहा है, तो हमको दो चीज़ का अनुमान होता है। एक तो ये, या तो कान का पर्दा फट गया, कोई गंभीर चोट मार दिया होगा कान में, या तो कान का पर्दा फट गया, या फिर खोपड़ी का हड्डी जो टूट जाता है, खोपड़ी में फ्रैक्चर, बहुत तेज़ी से अगर हमारे सिर में चोट लगता है तो उसके रास्ते से खून हमारे नाक में भी आ जाता है। तो नाक में खून आने से हमको दो चीज़ का पता चलता है, सॉरी, कान में खून आने से हमको दो चीज़ का पता चलता है कि या तो कान का पर्दा फट गया है या तो फिर हेड का कोई हड्डी टूट गया है। आइए चेहरे का अगर हम जांच करते हैं, तो चेहरे में अगर खून बह रहा है या फिर सूजन आ रहा है, बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है, मतलब विक्टिम जो पेशेंट है बहुत तेज़ी से कराह रहा है, तो हमको ये अनुमान हो जाता है कि छिली हुई चोट है, उसके चेहरे पर कोई घिस गया है, छिल गया है, छिली हुई चोट या नीला पड़ जाना, जिसको हम कंट्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्यूजन। कंट्यूजन माने होता है नीला पड़ जाना। तो उसका शरीर अगर नीला पड़ जाता है, छिली हुई चोट है, तो हमको ये और भी अनुमान हो जाता है कि हड्डियाँ टूट सकती हैं, अर्थात उसके चेहरे की हड्डियाँ, जो जुगुलर आर्क है, जो उसके फेस की हड्डियां हैं, वो भी टूट सकती हैं, ऐसा अनुमान हो सकता है। अगर हम आँखों को चेक करेंगे, आँखों की जांच करेंगे, तो पुतलियां बड़ी हो जाना, जमी हुई पुतलियां या फिर असमान पुतलियां। अगर मान लीजिए पुतलियां बड़ी हो गई हैं ना, बड़ी बड़ी पुतलियां, आँखें बड़ी बड़ी निकली हुई हैं या जमी हुई हैं, जमी माने होता है स्टिग्नेंट हो जाना, एकदम बिल्कुल आँखें जैसी की तैसी, एकदम मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, एकदम बिल्कुल क्या हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं पुतलियाँ, वो चल नहीं रही हैं, या फिर असमान पुतलियाँ हो जाना, एक छोटी एक बड़ी, कोई आँख बड़ी हो गई कोई छोटी है, इससे हम लोगों को ये अनुमान हो जाता है कि मे बी पेशेंट की डेथ हो चुकी है, पेशेंट मर गया है, है ना। तो आँखों से बहुत कुछ पता चल जाता है, अगर आँखें की पुतलियाँ बड़ी हो गई हैं या पुतलियाँ स्टिग्नेंट हो गई हैं, जम गई हैं ना, तो इससे हम और उसकी असमान पुतलियाँ हो गई, छोटी बड़ी हो गई हैं, तो ये अनुमान हो जाता है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है, है ना। या फिर इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है, अर्थात ब्रेन हेमरेज, उसके ब्रेन की सभी नसें हो सकती हैं टूट गई हों, और जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो गया हो, पेशेंट क्या हो गया है, मर गया है, तो इससे ये पता चल जाता है। अगर हम देखते हैं नाक और मुंह से खून आ रहा है, है ना, नाक मुंह अगर पाँचवें हम ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं नाक और मुंह को देखें, तो खून बहना या तरल पदार्थ अगर नाक मुंह से आ रहा है, तो इससे ये पता चल जाता है कि छिली हुई चोट है या तो फिर सिर पर चोट लगी। अगर सिर पर गंभीर चोट लग जाती है बच्चों, बहुत तेज़ी से अगर कोई मार देता है धारदार हथियार से या किसी ब्लंट हथियार से, तो हेड में चोट लगने की वजह से हेड के रास्ते से खून जो है हमारे मुँह में भी आता है, नाक में भी आता है, आँख में भी आता है, कान में भी आता है ना। तो ये क्या होता है, उसके रास्ते, क्योंकि सबका कॉन्ट्रैक्शन हमारे हेड से है, है ना, तो जब हेड में बहुत तेज़ी से चोट लगता है, तो वो खून आँखों, कान में भी आ सकता है, नाक में भी आ सकता है, मुंह में भी आ सकता है, आँखों में भी आ सकता है। तो इस प्रकार से खून अगर हेड में चोट लगता है तो आता है। आइए अगर हम जबड़े की बात करें कि जबड़े में अगर चोट लग जाएगा, जबड़े का जांच हम कैसे करते हैं, जबड़े का ठीक प्रकार या पूरी तरह से न खुलना, दुखना, विकृति या आकृति का बिगड़ जाना। अगर मान लीजिए हमारे जबड़े हैं, जौ अगर ये खुल नहीं रहे हैं और या फिर बहुत तेज़ी से दुख रहे हैं या फिर ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो हमको ये पता हो जाता है कि जबड़े की फ्रैक्चर हो गई, मतलब जबड़े जो फेस की हड्डियाँ, जो हमारे जबड़े की हड्डियाँ हैं, ये टूट गई हैं, जिसकी वजह से मुंह में विकृतियाँ आ गई हैं, मुंह टेढ़ी हो गई है ना। तो मुंह में विकृतियाँ इसी से आती हैं, या तो मुंह टेढ़ा हो जाता है और या तो फिर पालिश मार देता है तो भी, जिसको हम फेशियल पैल्सी कहते हैं। लेकिन अगर बुरी तरह से चोट, मतलब दर्द हो रही है चोट के साथ, तो इसका मतलब ये हमको समझ जाना चाहिए कि जबड़े की हड्डियाँ फ्रैक्चर्ड हो गई हैं, टूट गई हैं। आइए गर्दन की बात करते हैं। अगर गर्दन दुख रहा है बहुत तेज़ी से, तो गर्दन की हड्डी टूट सकती है ना। तो गर्दन की अगर हड्डी टूटी रहेगी, तो गर्दन में बहुत असहनीय दर्द होता है, बहुत तेज़ी से दुखता है, है ना। आइए अगर छाती की हम देखें, अगर चेस्ट का जांच करना है, तो चेस्ट का जांच हम कैसे करते हैं, दर्द, हासली की हड्डी, जिसको हम क्लेविकल कहते हैं, जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं, अगर कॉलर बोन में बहुत तेज़ी से मतलब दर्द हो रहा है, छाती में, सीने में बहुत तेज़ी से दर्द है, और जो हासली है, जिसको हम हासली कहते हैं, ये कॉलर बोन जो हमारे स्टर्नम से पीछे की ओर जा रही है, है ना, अर्थात स्कैपुला से लगा हुआ है, तो इसको हम क्लेविकल बोन कहते हैं। अगर क्लेविकल बोन में फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, विकृति हो गई है, और साथ ही साथ पेशेंट के मुँह से झाग आ रहा है, खून आ रहा है, सांस लेने में दर्द हो रहा है, या छाती को छूने में दर्द हो रहा है, छाती में असमान रूप से फूल गया है, तो इसका मतलब हमको ये पता हो जाना चाहिए कि उसके सीने में बहुत ज़बरदस्त का चोट है। तो इसमें क्या पता चलता है, एक तो ये पता चलता है कि क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर हो गया है ना, अर्थात जो ये कॉलर बोन है, हसली जिसको कहते हैं, ये फ्रैक्चर हो गई है। छाती में चोट लगना, छाती में गंभीर रूप से चोट लग गई है। पसली में फ्रैक्चर, अर्थात ये जो रिप्स हैं, जो ये रिप्स हैं हमारे स्टर्नम से लगी हुई हैं, ये पसलियाँ टूट चुकी हैं, है ना।
और जो ये फ्लेयर मुलायम छाती का फ्रैक्चर अर्थात कुल मिला के हमारे जो छाती का फ्रैक्चर है, इन सब से ये हमको ये पता चल जाता है कि जो चेस्ट है इस पर गंभीर रूप से चोट लग चुकी है और क्लेविकल बोन फ्रैक्चर कर गया है। ठीक, आइए अगर हम पेट में देखें कि पेट में अगर दर्द है और कड़ापन है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है और टाइट बहुत ज़्यादा है, तो हमको ये पता चल सकता है कि अंदरूनी खून बह रहा है, कि पेट के अंदर जब कोई इंटरनल हेमरेज हो रहा है, पेट के अंदर खून बह रहा है, तो इससे पेट जो होता है टाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और दर्द बहुत होता है। तो इससे हमको ये अनुमान हो जाना चाहिए कि अगर पेट में बहुत तेज़ी से दर्द है या कड़ापन है, तो पेट के अंदर वाले हिस्से में बहुत तेज़ी से खून का स्राव हो सकता है। आइए अगर हम देखें पेल्विस रीजन, जो नाभिक के नीचे का दर्द होता है, नाभिक के नीचे वाले पार्ट में अगर यहाँ दुख रहा है, बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, तो हमको ये पता हो जाना चाहिए कि पेल्विक बोन में क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, अर्थात पेल्विस बोन जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ये फ्रैक्चर्ड हो चुकी है ना। अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है या पेल्विक रीजन में नाभिक के नीचे दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हड्डियाँ टूट चुकी हैं, है ना, पेल्विक बोन टूट चुकी हैं। रीढ़ की हड्डी, अगर हम देखें कि रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज़ी से दुख रहा है, दर्द हो रहा है पीछे की हड्डी में, जिसको हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, अगर इनमें बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है। एकाएक आदमी हो सकता है कहीं गिर गया हो, इधर थोड़ा सा ऐसे इम्बैलेंस होकर, तो उसमें रीढ़ की हड्डी में अगर जर्क आ गया, बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब रीढ़ की हड्डी टूटने का खतरा हो सकता है। हाथ और पैर का अगर हम एनालिसिस करें, अगर उसका असेसमेंट तैयार करें, तो हाथ और पैर को अगर हम देखेंगे, अगर हाथ पैर में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है या विकृतियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, हिल डुल नहीं पा रही हैं, और कम मतलब हिलना डुलना कम महसूस हो रहा है, या लकवा मार गया है, पैरालिसिस हो गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए हाथ पैर में दर्द हो रहा है, विकृतियाँ अगर टेढ़ी हो गई, लकवा मार दिया है, तो इसमें क्या हमको अनुमान होना चाहिए, फ्रैक्चर या हड्डी का अपनी जगह से हट जाना। कभी कभी जब दर्द बहुत असहनीय होता है और विकृतियाँ आ जाती हैं, तो यहाँ जो हाथ और पैर की हड्डियाँ होती हैं वो एक सॉकेट में लगी होती है, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, तो यहाँ जो होता है वहाँ डिसलोकेशन हो जाता है या सबलक्सेशन हो जाता है। हड्डियों में क्या होता है, डिसलोकेशन या सबलक्सेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत तेज़ी से असहनीय दर्द हो जा होता है ना, बहुत पावरफुल पेन होता है, तो ये क्या होता है, हमको एक अनुमान हो जाता है कि या तो फ्रैक्चर हो गया है, या तो हड्डी के अपने स्थान से हट गया है, अर्थात डिसलोकेशन हो गया है या सबलक्सेशन हो गया है। रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर, अर्थात इससे अगर मान लीजिए रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, तो इससे हमारा हाथ पैर प्रभावित हो जाता है। तो जिस रीजन में अगर मान लीजिए आपके निचले हिस्से में ना, अर्थात सैक्रल रीजन में या फिर लंबर रीजन में अगर चोट लगा हुआ है, तो हमारे पैर में पैरालिसिस हो सकता है ना। अगर मान लीजिए सर्वाइकल प्रॉब्लम हुआ है, सर्वाइकल रीजन में अगर फ्रैक्चर हो गया है, तो हमारे हाथ में पैरालिसिस हो सकता है ना। तो कुल मिला के अगर रीढ़ की हड्डी में भी चोट लग जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाती हैं, तो हमारा हाथ पैर क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, लकवा मार देता है। ठीक, तो रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन हमारे हाथ पैर और पूरे शरीर से है, क्योंकि वहीं नर्व्स जाती हैं, जितने भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो सब रीढ़ की हड्डी के अंदर से ही जाती हैं। तो वो जब नर्व्स दब जाती हैं, तो हाथ पैर पैरालाइज हो जाता है। तो क्या हो सकता है कि या तो फिर हड्डियाँ टूट गई हैं, डिसलोकेशन हो गया, सबलक्सेशन हो गया है, या तो फिर रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर गई है, या हाथ पैर की हड्डियाँ टूट गई हैं, या फिर नस दब गई है, रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर हो जाने से नसें दब जाती हैं, जिसकी वजह से हाथ पैर पैरालाइज हो जाता है और हाथ पैर में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, नमनेस हो जाती है, सुन्नता आ जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा हेड टू असेसमेंट देख लिया है, अर्थात सिर से लेकर पांव तक का हम लोगों ने पूरा अप्रोचेस तैयार कर लिया, पूरा असेसमेंट तैयार कर लिया। इस प्रकार से हम सबसे पहले घायल पेशेंट का जांच कर लेते हैं कि उसको कैसी, तो चोट का पता करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि उसको कोई गंभीर समस्या तो नहीं है, ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो गया है, सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नब्ज चल रही है कि नहीं, हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं, पल्सेस चल रही हैं कि नहीं, क्योंकि ये तीन चीज़ इमरजेंसी चेक है, अर्थात इससे हमको ये अनुमान होता है अगर सांसें नहीं चल रही हैं, नब्ज नहीं चल रहा है, खून ज़्यादा निकल गया, तो मे भी पेशेंट की डेथ तुरंत हो सकती है। तो सबसे पहले हमको गंभीर समस्या का चेक करना है कि ये तीन चीज़ें हम देख लेंगे कि इसकी ये चीज़ सही चल रही है कि नहीं, नसें चल रही हैं, सांस चल रही हैं, खून ज़्यादा तो नहीं निकला, अगर इतना सही है, ये सब नहीं हुआ है, तब हमको ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि पेशेंट को जान का खतरा नहीं है, तब हम उसके चोट के मतलब प्रकार को देखते हैं कि कम चोट कैसा है, गंभीर चोट है कि हल्का चोट है, इसको हमको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं फ्रैक्चर की जांच पतले कपड़ों को हटाए बिना ही की जानी चाहिए, अर्थात जब फ्रैक्चर का जांच हमको करना है तो
पतले कपड़ों को नहीं हटाना है, केवल ऊपर के जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं उनको हटाना है। तो यहाँ देखिए, फ्रैक्चर की जांच पतले कपड़ों को हटाए बिना की जानी चाहिए। मोटे कपड़े चोट को छूकर देखने में रुकावट डालते हैं और बहुत ज़्यादा खून बहने को छुपा देते हैं, अर्थात मोटे कपड़ों को हटा देना चाहिए। इसलिए जाँच करने वालों को भारी कपड़ों के नीचे हाथ डालकर फ्रैक्चर को छूना या बहुत ज़्यादा खून बहने को पहचानना पड़ेगा, है ना। अर्थात पतले कपड़ों को नहीं उतारना है। अगर कोई मोटा कपड़ा पहना हुआ पेशेंट और वो निकालने की स्थिति में है, तो मोटे कपड़े को निकालकर आप पतले कपड़ों के नीचे हाथ डालकर चेक कर सकते हैं कि उसको खून ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हड्डियाँ टूटी तो नहीं है। घायल में दर्द के बारे में पूछें और मोटे कपड़े हटाने से पहले एक सामान्य जांच कर लें। यदि फ्रैक्चर की संभावना है तो मोटे कपड़े को शायद काट कर निकालना पड़े। अगर मान लीजिए फ्रैक्चर है और वो निकालने की स्थिति में नहीं है, तो उसके कपड़ों को काट कर निकालना पड़ सकता है। यदि घायल व्यक्ति सीधा लेटा हुआ है तो जांच करने वालों को उसके नीचे से हाथ डालकर रीढ़ की हड्डी को छूकर देखना चाहिए। अगर मान लीजिए घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है और वो हिलडुल नहीं सकता है, तो उसके रीढ़ की हड्डी के नीचे से हाथ डालकर उसके फ्रैक्चर को पता करना चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो रिश्तेदारों या आसपास खड़े व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करें। जो देखिए, अगर मान लीजिए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो वहाँ आसपास के लोग जो खड़े हैं या रिश्तेदारों से उसके स्थिति के विषय में पूछिए। उसकी केस हिस्ट्री आप ले सकते हैं ना, आसपास खड़े लोगों से या रिश्तेदारों से आप केस हिस्ट्री लेंगे अगर वो बेहोश है तो, है ना। तो क्या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो उसके रिश्तेदार या आसपास खड़े व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करें, जो बेहोशी के कारण निर्धारित करने में मदद करेगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा बेहोशी का कारण क्या है। आपको दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जेबों की जांच करके पता लगाना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का चिकित्सीय दस्तावेज या पर्चा तो नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सदमे, शॉक, सिर की चोट या लकवे के लक्षणों के लिए जांच करें। अर्थात उसका ये जांच कर लें कि सिर में शॉक है, कि लकवा कैसा है, क्यों पड़ गया, क्यों मार गया। तो इन सबको पता करना आपकी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी होती है। आपके ये फंडामेंटल अर्थात ये आधारभूत एक आपका कर्तव्य बनता है कि आप इन सबका जाँच करें। जांच करें कि पुतलियां छोटी या संकीर्ण तो नहीं हुई हैं, जिसका संभावित कारण नशीले पदार्थों का सेवन भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट पड़ा हुआ है और उसकी एक पुतली बड़ी है, एक पुतली छोटी है, तो इससे अनुमान ये भी लगाया जा सकता है, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा नशे में है, ज़्यादा नशा का सेवन कर लिया है, जिसकी वजह से इसका ये प्रॉब्लम हो गया है, है ना। तो जिसका संभावित कारण नशीले पदार्थों का सेवन भी हो सकता है। जहर विष के लक्षणों के लिए और दौरों की वजह से जबान के काटने आदि के लिए होठ और मुँह की पूर्ण जांच करें। देखिए, एक चीज़ और क्या होता है कि अगर पेशेंट के मुंह में खरोच लग गया है या वो अपने होठों को खा गया है, चबा गया है ना, होठों को काट लिया है, साथ ही साथ उसका जीभ कट गया, जुबान कट गया है, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए उसको झटका आ गया, दौरा आ गया है ना। अगर आदमी बेहोशी की हालत में आ रहा है, दौरा आ रहा है, छटपटा रहा है, तो उसमें वो अपनी जुबान को काट लेता है, है ना। बहुत ज़्यादा उसको इतना ज़्यादा परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है कि अंदर उसका मुँह घिस जाता है, बहुत सारे प्रतिक्रियाएँ करता है, जिसके क्योंकि मुँह उसका क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेचिंग होने लगता है, जिसकी वजह से अपने जुबान को काट लेता है, उसकी होठें कट जाती हैं, उसके मुंह कट जाते हैं। इस प्रकार से हमको ये अनुमान हो जाता है कि यह आदमी कोई नशीला पदार्थ, सॉरी, कोई जहर ले लिया है, कोई विष खा गया है, जिसकी वजह से उसमें इस प्रकार का सिम्टम्स आया हुआ है, या तो फिर बेहोशी दौरे के हालात में आ रहा है, जैसे कोई जहरीला सांप काट लिया या कोई काट लिया, तो उसमें स्ट्रेचिंग होती है, जिसकी वजह से वो अपने मुंह में क्या करता है, इस प्रकार से एक्शन करता है कि उसकी जुबान कट जाती है, मुंह छिल जाता है, होठें कट जाती हैं, है ना। एसीटोन की वजह से फलों जैसी महक आती है तो बढ़ी हुई मधुमेह या एडवांस डायबिटीज़ के कारण होती है। अगर मान लीजिए एसीटोन की वजह से फलों जैसी महक आ रही है, आदमी सांस ले रहा है, सांस लेने में उसके एसीटोन जैसी महक आ रही है, फलों जैसी महक आ रही है, तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि हो सकता है उसमें मधुमेह का प्रॉब्लम बढ़ गया था, डायबिटिक पेशेंट है, और उसमें डायबिटीज़ जो है एडवांस हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो चुका है। और एक्सेसिव हो जाने से जो सांस है, जब पेशेंट सांस लेगा, जिसको ज़्यादा डायबिटिक मेलाइटिस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर बढ़ जाता है, तो उसके सांस में फल जैसी महक आती है, एसीटोन ऐसी महक आएगी। तो ये समझ लेना चाहिए कि आदमी क्या है, मधुमेह से ग्रसित है और इसका शुगर लेवल जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक। सांस की महक से जहर विष शराब का पता चल जाता है। अगर सांस आप एनालिसिस करेंगे, उसके सांस को सूंघेंगे, तो उसके जहर का पता चल जाता है, विष का पता चल जाता है, या शराब पीने की स्थिति का पता चल जाता है। जब सांस में से शराब की महक आ रही हो तो यह नहीं मान लेना चाहिए कि बेहोशी का कारण निर्धारित कर लिया गया। अगर मान लीजिए सांस में उसके शराब की महक आ रही है, तो आपको केवल इतना ही समझ के नहीं छोड़ देना कि ये शराबी है और ये शराब ज़्यादा पी लिया है, जिसकी वजह से बेहोश हो गया। हो सकता है कि उसके साथ और भी प्रॉब्लम्स हो, तो आपको बहुत डीप में जाकर बहुत ही गहरे असेसमेंट तैयार करना होता है, ठीक। तो शराब जैसी महक आ जाने से केवल ये क्लियर नहीं हो जाता कि ये शराबी आदमी है और शराब की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं, उसको गंभीर चोट भी आ सकती है, जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ा हुआ है, ठीक।
वातावरण का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करके तथा रिश्तेदारों व दोस्तों के साथ बातचीत करने पर ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की बेहोशी के कारणों का सबूत पाया जा सकता है। अर्थात आपको वहाँ आसपास के माहौल को, वहाँ सराउंडिंग्स जो है, सराउंडिंग का क्या एटमॉस्फियर है, वहाँ के एनवायरनमेंट क्या है, उसको पता करेंगे और साथ ही साथ कुछ आसपास उपस्थित लोगों के जो नज़दीक के लोग इकट्ठा हुए हैं या फिर रिश्तेदारों से आप जब प्रॉपरली वे में बातचीत करेंगे तो आपको उसके बेहोशी का कारण पता चल जाएगा और अपना बहुत अच्छे से आप असेसमेंट तैयार करने के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। ठीक, तो आज के वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने अप्रोचेस देखा, अर्थात हेड टू टू अप्रोच क्या होता है, अर्थात सिर से लेकर पांव तक हम लोग कैसे जांच करते हैं, अर्थात चोट की समस्याएं क्या होती हैं, घटना बहुत ज़्यादा समस्या प्रॉब्लम अर्थात समस्या से ग्रसित हैं, अर्थात उसके जान से जान के लिए खतरा तो नहीं है, और साथ ही साथ हमें चोट की गंभीरता का पता चल जाता है ना। तो आज के वीडियो सेगमेंट से हम लोगों ने यहाँ तक बात किया है, उम्मीद है ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। बच्चों, हम इसी प्रकार से आपको पूरा वीडियो सेगमेंट से तैयार कराएंगे और आपका ये स्किलिंग बहुत अच्छा डेवलप होगा पढ़ाई के साथ साथ, ये तो आपका कोर्स कवर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके अंदर एक स्किलिंग डेवलप होगी। हम आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराएंगे, अभी जब आगे आएगा तो हम जितने भी चीज़ें हैं वो हम आपको एक मॉडल के रूप में समझाएंगे, एक एक चीज़ को हम करके दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो सेगमेंट्स के साथ। अगर अभी हमारे नए व्यूवर्स हों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें, है ना, और लाइक करें, जिससे ये वीडियो सेगमेंट्स क्योंकि हमको एक एनर्जी के रूप में मिलता रहे और साथ ही साथ आप लोगों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।